को आमंत्रित किया गया है और इसके तहत हम लोग एक यूनिटी का संदेश देना चाहते हैं और अभी थोड़ी ही देर में ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। कर्मचारियों का एक मिनी मैराथन होगा और इसके साथ हम लोग वहाँ जनपदीय स्तर के सभी स्कूल कॉलेज से और पब्लिक से जो लोग आएंगे उनके साथ मिलकर एक मतलब वहाँ भी इसका रन फॉर यूनिटी का हिस्सा लेंगे। कहाँ से कहाँ तक जाएगी मैराथन? यहाँ से पुलिस लाइन से किरनी भाग जाएगी, किरनी भाग से फिर जीएफ कॉलेज। किस तरीके मैराथन रैली थी यहाँ पर? आज सबसे पहले आप सबको बधाई देते हैं कि एक महापुरुष ऐसे जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा और उसको करके भी दिखाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और उन्होंने जो देश को संदेश दिया है, उनका जो विचार है आज भी जीवंत है और भविष्य आगामी हमेशा तक जीवंत रहेगा। और रन फॉर यूनिटी के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, हम सब लोग मिल करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाएगी, स्टेचू बनाएगा, उसका उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। कितनी बड़ी मूर्ति है और क्या कुछ संदेश जा रहा है? 182 मीटर की है, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है और ये हमेशा याद दिलाएगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत की एकता के लिए कितना प्रयास किया और उनके कारण ये आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तान है, उनको बटने नहीं दिया। इस तरह से हम सबको एक संदेश दिया है कि एक भारत ही मजबूत भारत हो सकता है, श्रेष्ठ भारत। आज बच्चे भाग में दौड़ में भाग लिया है बच्चों ने, उसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? आने वाली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि हमारे देश के इतिहास में कौन कौन ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने देश की अखंडता के लिए अपने प्राणों की बलि दी और अपने विचार को लाए और जीवन समर्पित किया। तो ऐसे आने वाली पीढ़ी के लगातार निरंतर प्रभाव होते रहने का ये विचार जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायक है।